बारिश के मौसम में गर्मा गर्म पकौड़े मिल जाए तो बात ही कुछ और हो, लेकिन ये मैंने पकौड़े बनाए हैं बिना बेसन, बिना मैदा, बिना आटा के एक खास इंग्रेडिएंट से। आप लोग इस तरह से बनाएंगे, तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल आशाज किचन। तो इसे बनाने के लिए हमने देखिए क्या लिया है, दो लिया है कच्चे आलू, ये बहुत बड़े नहीं हैं। इधर हमने एक बड़ा डंठल प्याज का लिया है और एक ये आधा से आधा प्याज है। तो इसमें प्याज डालना बहुत ज़रूरी है, जब प्याज डालेंगे तभी रेसिपी बहुत अच्छी बनती है। तो सबसे पहले हम आलूओं को छील लेते हैं इस तरह से। बारिश के मौसम में जब हमें चाय पकौड़े खाने का मन हो गर्मा गर्म, तब बनाएं ये वाले पकौड़े, बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत टेस्टी लगते हैं और बनाना एकदम आसान है इन्हें। तो सबसे पहले इन आलूओं को बढ़िया से छील लेंगे। तो ये देखिए मैंने एक आलू को छील लिया है इस तरह से, इसी तरह मैं दूसरी आलू भी छील लेती हूँ। तो ये देखिए मैंने दोनों आलूओं को छील लिया है और अब इसे हम किस करेंगे, तो सबसे हम बड़े वाले से कसेंगे इन आलूओं को। जब भी कसें बड़े वाले से कसेंगे तो आपके लच्छे अच्छे निकलेंगे, अगर छोटे वाले से कसेंगे तो बहुत बारीक हो जाएंगे। तो हम देखिए इस तरह से इन्हें पहले ग्रेट कर लेते हैं और इसके बाद हम इन्हें पानी में डालेंगे। आप चाहें तो डायरेक्ट पानी में भी किस सकती हैं, किसी बाउल में पानी ले लीजिए और उसी में डायरेक्ट कसिए आलू, तो आपके आलू बढ़िया बने रहेंगे। पर ये दो आलू हैं तो बहुत जल्दी ये कस जाएंगे। तो देखिए लच्छे इस तरह से निकलते हैं, बड़े बड़े लच्छे निकल रहे हैं, तो हमें इतने बड़े बड़े ही लच्छे चाहिए। तो हम सबसे पहले इन आलूओं को अच्छे से ग्रेट कर लेते हैं। तो ये देखिए हमने सारे आलू, मतलब दो आलू जो थे हमारे, हमने ग्रेट कर लिया है बढ़िया से। और अब इन आलूओं को हम ये जो ग्रेट किया हुआ है इसे डाल देंगे इस कटोरे में और इसे इतना धुलेंगे, सारा स्टार्च इसका निकाल देंगे और पानी बिल्कुल क्लीन होना चाहिए। तो हम सबसे पहले इन्हें अच्छे से धुल लेते हैं 3-4 बार पानी में। तो ये देखिए मैंने बहुत अच्छे पानी से धो लिया है, कम से कम मैंने 5 बार पानी से धुला है तब जाके इतना क्लीन पानी निकला है। तो अब इसको हम निचोड़ लेंगे और निचोड़ के एक प्लेट में रखेंगे, बहुत अच्छे से निचोड़ना, इनमें पानी बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। तो जितना हो सके, जितनी ताकत हो आपकी उतनी आप ताकत लगा दीजिए इसमें। देखिए पानी अभी भी निकल रहा है, तो मैं अपनी पूरी ताकत लगा देती हूँ। ये और ये देखिए कितने बढ़िया लच्छे निकले हैं। इसी तरह हम ये भी निचोड़ के रख लेते हैं। तो ये देखिए मैंने निचोड़ लिया है और अब इसे डाल देंगे इसी बाउल में और अब इसमें ऐड करेंगे ये हमने प्याज जो काटा था, ये प्याज ले लिया है। तो अभी इसके लच्छे अलग नहीं किए हैं हमने, तो इसमें प्याज डालेंगे तभी पकौड़ी आपकी बहुत अच्छी बनती हैं। अगर प्याज नहीं डालेंगे तो उतना टेस्ट नहीं आएगा, लेकिन जो लोग लहसुन प्याज नहीं खाते हैं वो प्याज स्किप कर सकते हैं। इस इधर हमने दो हरी मिर्च लिया, इसे बारीक बिल्कुल काट लिया है, तो ये डाल देंगे और इसमें डालेंगे थोड़ी सी हरी धनिया और इसमें जाएंगे कुछ मसाले। तो मैंने देखिए लिया चाट मसाला, ये डाल देंगे, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा, थोड़ा सा चटपटे बनेंगे। थोड़ी सी हींग डालेंगे इसमें लाल कुटी हुई मिर्च है, ये पाउडर नहीं है, थोड़ा सा तीखा कर देंगे इसको। तो ये ज़्यादा तीखी मिर्च नहीं है क्योंकि मैं सब्जी वगैरह में डालती हूँ, तो बहुत तीखी नहीं, इसलिए मैंने इतनी डाल दिया है। और अब इसमें डालेंगे थोड़ी सी ये धनिया पाउडर है, ये डाल देंगे, थोड़ा सा गरम मसाला डाल देंगे। तो थोड़ी थोड़ी चीज़ें सब डाल देंगे तो आपकी ये जो पकौड़ी बहुत अच्छी बनेंगी। थोड़ा सा जीरा डाल देंगे, नमक अभी नहीं डालना है, हम इन सारी चीज़ों को पहले ऐसे ही हाथ से मिक्स कर देंगे ताकि ये हमारे प्याज के लच्छे भी अलग अलग हो जाएंगे और अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। तो हमें इसे रगड़ रगड़ के इस तरह से मिला देना है ताकि हमारे प्याज अलग अलग हो जाएं एकदम से। तो अभी मैंने नमक नहीं डाला है और नमक आप लोग भी मत डालिएगा। तो आगे इसमें हम क्या ऐड करेंगे वो भी आप देखते रहिएगा। तो सबसे पहले हम इन सब चीज़ों को मिक्स करके
रख देंगे, इसके बाद आगे की तैयारी करेंगे। तो ये देखिए मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है और सारे प्याज जो है एक दूसरे से अलग हो गए हैं इस तरह से। तो आप लोग भी इस तरह से करेंगे, या आपकी इच्छा हो तो आप प्याज को इस तरह से ना काटें, आप जैसी इच्छा हो उस तरह से काट सकते हैं। तो इसको हम ढक के रख देंगे अभी और चलते हैं आगे की तैयारी करते हैं। तो हम इस पकौड़े में बेसन नहीं यूज करेंगे, बेसन की जगह हम ये यूज करेंगे, थोड़ी सी मैंने सूजी ली है ये इसमें डाल देंगे। आप सूजी की जगह चावल का आटा ले सकती हैं। और अब इसमें देखिए हम क्या डालेंगे, ये रात की बची हुई थोड़ी सी तहरी है, ये मैं इसमें ऐड कर दूंगी। तो सारी नहीं ऐड करनी है, थोड़ी सी ऐड करेंगे। तो आपके पास बचा हुआ चावल रखा हो तो वो भी आप ले सकती हैं, इससे टेस्ट आपका बहुत अच्छा आएगा। तो इतनी ही हम डालेंगे और इसे बढ़िया सा ग्राइंड कर लेंगे। तो अभी हम पानी नहीं डालेंगे, ऐसे ही पीस के तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिए मैंने बड़े अच्छे से पीस लिया है और ये देखिए चावल और सूजी एक साथ मिक्स हो गई। हमें इसका एकदम बारीक पेस्ट नहीं बनाना था, जैसे सूजी हमारी है इसमें थोड़ा सा पीस गई है, हमें इतना ही पीस के तैयार करना था। तो अब हम ये बैटर डाल देंगे इसमें। तो हमें इसमें पानी डाल के बिल्कुल नहीं पीसना है, क्योंकि जो हमारे आलू और प्याज हैं इनमें पानी काफ़ी छूटता है, तो इसलिए पानी हमें बिल्कुल नहीं डालना है। अगर ज़रूरत पड़ती है तो हम लास्ट में डाल लेंगे। तो ये सारा बैटर पहले हम निकाल लेते हैं अच्छे से। तो ये देखिए सारा हमने निकाल लिया है और अब इसको हम हाथों से मिक्स कर देंगे। तो नमक हमें अभी भी नहीं डालना है, क्योंकि हम इसे थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने के लिए रखेंगे। तो सबसे पहले हम इसको मिला देते हैं बढ़िया से। तो आप इसकी जगह चावल का आटा डाल सकते हैं, चावल पका हुआ रखा हो वो डाल सकते हैं पीस के, या फिर आप चूरा पोहा मतलब पोहा डाल सकते हैं पीस के, जो भी आपके पास हो वो डाल सकते हैं। तो देखिए मैं इस तरह से सब मिक्स कर दूंगी इसमें बढ़िया से। तो ये देखिए मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है और अब इसको हम रख देंगे 10 मिनट के लिए रेस्ट होने के लिए। तो हमारा बैटर जो है रेस्ट कर चुका है और देखिए सूजी अच्छे से फूल गई है। तो अब इसमें हम डालेंगे नमक। तो नमक हमारी तहरी में भी था तो इसलिए नमक बहुत सोच समझ के डालें, ये लीजिए। और इसमें डालेंगे थोड़ी सी कलर के लिए हल्दी और अब इन सब चीज़ों को मिक्स कर देंगे। तो हाथों में थोड़ा सा पानी लेंगे, तो हाथों को थोड़ा सा गीला करेंगे और अब इस नमक और हल्दी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और देखिए जो आलू में पानी होता है, आलू और प्याज में जो मैंने एकदम से इसको मसेड़ दिया था, तो ये देखिए कितना गीला हो गया है, जबकि सूजी इसमें पड़ी हुई है फिर भी जितना पानी एब्जॉर्ब किया है और हमने इसमें एक बूंद भी पानी नहीं डाला है। तो इस तरह का, और देखिए बिना बेसन का है ये, कितना बढ़िया बैटर बन के तैयार हुआ है। इधर हमारा तेल भी गर्म हो रहा है, तो तेल को हमें बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है, वरना हमारा जो पकौड़ी डालेंगे तुरंत जल जाएंगी और अंदर से कच्ची रह जाएंगी। तो तेल हमारा गर्म हो चुका है, इधर हमने बैटर को मिक्स कर लिया है और अब थोड़ा थोड़ा पानी लेते हुए मतलब लगाते हुए हाथ में, और पकौड़े अपने हिसाब से छोटे बड़े जैसे आपको पसंद हो उस तरह से बना सकती हैं। तो देखिए गैस को बिल्कुल स्लो कर देंगे और इस तरह से हम इतने इतने पकौड़े इसमें डाल देंगे। तो बहुत ही क्रिस्पी पकौड़े बनेंगे, मैंने इसमें बेसन नहीं डाला है, मैदा नहीं डाला है, केवल सूजी और ज़रा सा तहरी जो बची थी हमारी वो डाल दिया है। तो एक बैच में जितने आते हैं हम उतने पकौड़े इसमें डाल देंगे। तो इतने ही डालेंगे और इनको सिक जाने देते, इसके बाद हम इन्हें उलट पलट देंगे। तो ये देखिए हमारे पकौड़े तल के तैयार हो गए हैं और देखिए कितने अच्छे दिख रहे हैं और बहुत ही क्रिस्पी दिख रहे हैं। तो हमें इन्हें निकाल लेना है। तो इनको हमने तला है मीडियम से भी धीमी आंच में। तो आप इसी तरह से तलेंगे तो आपके पकौड़े अंदर तक पकेंगे और क्रिस्पी बनेंगे। तो इनको हम निकाल लेंगे। तो गैस को हम फिर से स्लो कर देंगे और जब पकौड़े हमारे पड़ जाएंगे तब हम थोड़ा सा तेज कर देंगे। तो फिर से हम दूसरा बैच डाल देते हैं। तो ये हमारे पकोड़े बनके तैयार हो गए हैं, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही क्रिस्पी
और बहुत ही टेस्टी, बिना बेसन के और बिना आटा बिना मैदा के पकौड़े बनाए हैं हमने। और ये देखिए एकदम क्रिस्पी बने हैं, ये इस तरह से देखिए बिल्कुल क्रिस्पी और बहुत ही टेस्टी और अंदर तक अच्छे से पक गए हैं और खाने में बहुत टेस्टी लगेंगे, आपके घर में सभी को बहुत पसंद आएंगे। एक बार इस तरह से आप ट्राई करिएगा, सभी को बहुत पसंद आएंगे। ये रेसिपी आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट करना, सब्सक्राइब जरूर कर देना। फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।